Hello students, how are you? I know you all are fit and fine. अभी आप लोग जी के सब्जेक्ट में और ऑल सब्जेक्ट में आप जूम मीटिंग में भी पढ़ रहे हो और वीडियो भी देख रहे हो, तो सबको जूम मीटिंग में भी सबको अटेंड रहना है ना। जो वीडियो हम पढ़ाते हैं वो जूम मीटिंग में भी पढ़ाएंगे आपको, तो आपको कुछ क्वेरी होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको जूम मीटिंग में टीचर आपको सिखा देगी। तो जीके सब्जेक्ट में हमने पहले क्या सीखा था, एनिमल्स के बारे में सीखा था, है ना। अलग अलग एनिमल्स के बारे में टीचर ने आपको सिखाया था, है ना। तो आज हम न्यू पेजेस सीखेंगे इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बारे में, है ना। तो चलो अभी हम बुक्स में देखेंगे, है ना। आपने पहले वाले वीडियो में ये वाइल्ड एनिमल सीखे थे। वाइल्ड एनिमल मतलब हम जो फार अवे फ्रॉम अस, मतलब हमारे से दूर रहते हैं, जिससे हमें हानि हो सकती है, ये सब वाइल्ड एनिमल्स है। देखो यहाँ पे सबके पिक्चर्स दिए हुए, आप जो सीख चुके हैं लेकिन मैं आपको एक बार रिविजन करवा देती हूँ। लायन, आउल, स्नेक, एलिफेंट, बेयर, टाइगर, मंकी, ये सब क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है। ये भी वाइल्ड एनिमल्स है जो हमसे दूर रहते हैं। गोरिल्ला, जिराफ, फॉक्स, हिप्पो, जेब्रा, रेनो, और ये फार्म एनिमल्स है जो हमारे आसपास में रहते हैं, है ना। आंट, माउस, क्रो, डॉग, कैट, हैन, काउ, डोंकी, हॉर्स। आपके बुक सेट में ये ऐसे स्टिकर दिए हुए हैं, ये सब स्टिकर दिए, ये सब जहाँ पे आपको टीचर बताएगी वहाँ पे आपको ये स्टिक करना है, ये सब स्टिकर से। यहाँ पर देखो ये स्टिकर लगाने के लिए दिया हुआ है, तो ये आपके पास जो स्टिकर है बुक सेट में, यहाँ से निकाल के यहाँ पे आपको अच्छे से क्या है, ये एलिफेंट है, लायन है, ये आउल है, तो क्या करना है, यहाँ से निकाल के यहाँ पे अच्छे से आपको स्टिक करना है। वैसे ही यहाँ पे भी है, तो आपको यहाँ से ये निकाल के अच्छे से यहाँ पे स्टिक करना है। ये क्या है, जिराफ है, और ये क्या है, डियर है, और ये अदर्स है। तो ये आपको यहाँ पे देख के अच्छे से स्टिक करना है, जिराफ, डियर और ये क्रोकोडाइल, इसका यहाँ से आपको स्टिकर निकाल के यहाँ पे अच्छे से स्टिक करना है। और ये हमारे आसपास रहने वाले एनिमल्स है, तो यहाँ पे ये अच्छे से आपको पढ़ाया ना मैंने अच्छे से, ये क्या है, आंट, माउस, क्रो, डॉग, कैट, हैन, काउ, डोंकी, हॉर्स, और ये दूसरे हैं, बटरफ्लाई, फ्रॉग, लेडी बर्ड, सीप, गोट, पीजन, पैरट, और ये स्पैरो। यहाँ पे भी ऐसे अलग ये स्टिकर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये स्टिकर दिया है, यहाँ से निकाल के आपको यहाँ पे अच्छे से स्टिक करना है। और यहाँ पे भी है देखो, ये आपको यहाँ पे सब स्टिकर दिए ही गए हैं आपके बुक सेट में, तो यहाँ से आपको निकाल के यहाँ पे अच्छे से स्टिक करना है। अभी आज हम न्यू इंसेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे दिए हुए सबके पिक्चर्स है ना। पहले क्या है, ये मॉस्किटो, ग्रास ओपर, लेडी बर्ड, आंट, कॉकरोच, फ्लाई, बी, ड्रैगन फ्लाई, और ये बटरफ्लाई है ना। ये सब इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है मतलब छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं ना, ये सब है, ये है ना, मॉस्किटो, ग्रास ओपर, लेडी बर्ड, आंट, कॉकरोच, फ्लाई, बी, ड्रैगन फ्लाई, और ये बटरफ्लाई, और यहाँ पे कलर द लेडी बर्ड। तो ये पिक्चर आपको घर पे अच्छे से इसके ऊपर कलर करना है। यहाँ पे देखो एक सैंपल दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जहाँ पे आप कलर करो वो अच्छे से डार्क दिखना चाहिए। वैसे आपको यहाँ पर रेड कलर और यहाँ पे ब्लैक कलर अच्छे से आपको करना है। अभी हम नेक्स्ट बर्ड्स के बारे में देखेंगे, है ना। सबने बर्ड्स देखे हैं ना, कौन सा बर्ड है ये, पहले क्रो, उसके बाद क्या है, ये हैन, और ये क्या है, कलरफुल क्या है, ये पीकॉक, और ये क्या है, आउल, और ये क्या है, पैरट, स्पैरो, क्रेन, स्वैन, और ये डक। डक कहाँ पे रहता है, पानी में, है ना। क्या है ये, क्रो, ये क्या है, हैन, पीकॉक, आउल, पैरट, स्पैरो, क्रेन और स्वैन, और ये डक।
और यहाँ पे आपको अच्छे से आप इस कलर करना है। ये देखो ग्रीन टी ट्री है, उसके ऊपर ये अलग अलग बर्ड्स है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से कलर करना है ना। ये जो मैंने सिखाया है ना आपको अलग अलग एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, तो आपके पास बुक्स है तो आपको बार बार अच्छे से ये देखते रहना है, और कौन से बर्ड्स है, कौन से इंसेक्ट्स है, ये आपको देखते रहना है अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको घर पे भी ऐसे देखते रहना है कौन से बर्ड्स आपके घर के आजू बाजू में दिखाई दे रहे हैं, कौन से एनिमल्स है, आपको उसको देख के रिकॉग्नाइज करना है, और फिर देखना है आपके आसपास तो डॉग होंगे, बहुत सारे बर्ड्स इधर उधर घूम रहे होंगे, तो आपको वो देखते देख के रिकॉग्नाइज करते रहना है ना। और जो मैंने पिक्चर दिखाया है उसके ऊपर भी आपको अच्छे से कलर कर, आई होप सब अच्छे समझ गए हैं, तो अच्छे से आपको घर पे लर्न करते रहना है ना। थैंक यू।